नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। 90 के दशक में अपनी कलम से कई गीत लिखने वाले गीतकार संतोष आनंद आज फैले संगीत के जंगल में कहीं खो से गए हैं। वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन उनको इस जमाने से तवज्जो न देने की शिकायत जरूर रही। भले ही लोग ये ना जानते हों कि ये गीत किसकी रचना है, लेकिन उनके गड़े ठहरावदार गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं। रवानी है तेरी मेरी कहानी है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं संतोष आनंद। बॉलीवुड को दिए कई सुपरहिट गाने, जमाने ने संतोष आनंद को नहीं दी तवज्जो। इंडियन आइडल के सेट पर पहुंचे संतोष। पहले जवान बेटे की मौत और अब आर्थिक दिक्कतों का सामना, कुछ इस तरह से अब बॉलीवुड को यादगार गाने देने वाले संतोष आनंद अपना जीवन बिता रहे हैं। गुजरे जमाने के मशहूर गीतकार संतोष आनंद ने अपने समय में कई बॉलीवुड फिल्मों में बढ़िया संगीत दिया है। 81 साल के संतोष आनंद ने मोहब्बत है क्या चीज, एक प्यार का नगमा जैसे बढ़िया गाने हमें दिए। जहाँ एक समय ऐसा था कि संतोष के पास काम की कोई कमी नहीं थी, वहीं अब बूढ़े हो चुके संतोष आनंद के पास कोई काम नहीं है। संतोष आनंद फिल्मों के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित गीतकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 5 मार्च 1944 को सिकंदराबाद में हुआ था। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। संतोष आनंद जी का पूरा नाम संतोष कुमार मिश्र है। शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद वो मुंबई पहुंच गए थे। यहीं से उनका गीतकार बनने का संघर्ष शुरू हुआ था। काफी मुसीबतों के बाद उन्होंने कदम जमाए और थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हुआ। कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी। सभी जानते हैं कि हीरे की परख सिर्फ एक जौहरी कर सकता है। उसी तरह इन मामलों को में पैनी परख रखने वाले राज कपूर ने भी उन्हें देखा। उन्होंने भी संतोष आनंद जी के कई गीत लिखवाए जो बाद में सुपरहिट साबित हुए। इनमें प्रेम रोगी जैसे गाने शामिल हैं। वैसे मैं टूटी टांग से सच मानिएगा 22 किलोमीटर पैदल चला हूं। टांग टूटी हुई थी 22 बार। हौसला, और आज भी इस उम्र में भी कंपन भी हो गया है, लेकिन टांगे जरूर टूट गई हैं, लेकिन हौसला नहीं टूटा। कहते हैं संतोष आनंद के जीवन में न कभी संतोष जगह बना पाया और न ही उन्होंने कभी आनंद का सुख पाया। संतोष आनंद का पूरा जीवन काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। दुखों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वक्त के आगे मजबूर हो शायद ही उन्होंने कभी चैन की जिंदगी गुजारी होगी। संतोष आनंद को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा मकान का गीत मैं ना भूलूंगा के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। 1983 में आई फिल्म प्रेम रोग के गीत मोहब्बत है क्या चीज के लिए भी फिल्मफेयर अवार्ड मिला। वहीं 2016 में उन्हें यश भारतीय सम्मान से भी नवाजा गया। हालांकि सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में आने के बाद गीतकार संतोष आनंद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इससे पहले वो गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। शो के दौरान संतोष जी ने अपने पुराने दिनों को याद कर काफी भावुक हो गए थे। इस मौके पर शो के जज नेहा कक्कड़ ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए संतोष आनंद जी को 5 लाख रुपए की भेंट दी। ये एपिसोड टीवी पर टेलीकास्ट होने के बाद संतोष जी की वजह से काफी सुर्खियों में रहा। लोगों ने शो के जिम्मेदार लोगों को भी काफी के लिए खरी खोटी सुनाई। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना था कि टीआरपी के लिए संतोष जी की बेबसी का रोना रोया गया। संतोष जी को लेकर कई तरह की खबरें चल रही थी। वहीं कुछ नामी लोगों ने भी अपनी राय रखते हुए उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।